गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायक आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 28 की और यहां हम देखने वाले हैं के मेथड से कैसे ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं मतलब प्रूफ करते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस तो जरा ध्यान से समझिए यहाँ बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इसका मतलब है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन तो हमें क्या करना है हमें यह लिखना है कि यहां a अपॉन बी हम लेंगे पहले मतलब वट यू सी वी कंसिडर लेट a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपन सी इज इक्वल टू के कंसिडर करेंगे वेन वी कंसिडर k वट द आंसर विल बी b इज इक्वल टू सी के एंड ए इज इक्वल टू वट बी के ये बी इन के इज वट बी के बट हियर एक्चुअली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी के इन टू के सो इट विल बिकम सी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू स्क्वायर ओ ग्रेट अब करेंगे क्या ध्यान से समझिए हम क्या करेंगे पहले एल एच एस लिखेंगे वट इज एल एच एस वट इज एल एच एस यहां तक बात क्लियर हो रही है तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा छोटा करके यहां रख देता हूं और फिर हम यहां सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज एल एच एस ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या है बी माइनस सी अब हमारा काम क्या है बी के जगह पे सी के ए के जगह पे सी के, के स्क्वायर पुट करना है तो व्हाट इज दैट सी के स्क्वायर प्लस व्हाट इज द बी सी के प्लस सी ब्रैकेट को बी वट इज बी सी के माइनस वट सी अब ध्यान से देखिए यहाँ सी है यहां सी है सी है कॉमन निकालते हैं तो क्या रहेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन इधर से भी सी सी कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा के माइनस वन अब ध्यान से समझते हैं कि सी इंटू सी इज वट सी स्क्वायर बचेगा क्या के स्क्वायर प्लस के प्लस वन के माइनस One. एक बात समझ लीजिए ध्यान से यदि ये आपको समझ में आ रहा है तो यहां एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बोला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी ध्यान दीजिए तो अब जरा इसको कोरिलेट करते हैं विद दिस स्टेटमेंट तो यहां के स्क्वायर है ए स्क्वा ए बी के इंटू वन बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है ए माइनस बी क्या है के माइनस वन अब यदि ये ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं तो वट यू कैन राइट हियर वट यू कैन राइट हियर you can write here c square in bracket k cube minus 1 cube in short you can write like this c square in bracket k cube minus 1 this is equation number 1 if you got this आगे चलते हैं यदि आपको यह समझ में आ रहा है समझो समझो क्या है कि ए के जगह पे सी के स्क्वायर बी के जगह पे सी के सी के जगह पे सी बी के जगह पे सी के अब यहां मैंने सी कॉमन निकाला के स्क्वायर प्लस के प्लस वन यहाँ सी कॉमन निकाला के माइनस वन अब ये के माइनस वन समझ में आ गया सी स्क्वायर कॉमन निकाला है ऑलरेडी पता है अब इसका रिलेशन हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले uh, से दिया ए आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी हम लिखने के लिए पहले ऐसे लिखते थे डायरेक्टली ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो इसको इसके साथ रिलेट किया और फिर इसको इसमें कन्वर्ट किया तो वैसे इसको भी किसमें कन्वर्ट किया के क्यूब माइनस वन क्यूब में कन्वर्ट किया तो यहां ऐसे लिखा अब हम बात करते हैं RHS के. तो RHS. आर एच एस की तो लेट्स हैथिंग बट ए बी माइनस सी स्क्वायर नथिंग एल्स तो व्हाट इज ए बी ए इज सी के स्क्वायर इनटू सी के माइनस सी स्क्वायर तो यहां क्या होगा ये सी है, ये सी है, तो हम क्या करेंग करेंगे यहां सी स्क्वायर इंटू के क्यूब माइनस सी स्क्वायर अब कॉमन क्या निकालेंगे सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे बचेगा क्या के क्यूब माइनस वन दिस इज वट सेकेंड वन सो फ्रॉम वन एंड टू एक और दो से क्या समझेंगे फ्रॉम वन एंड टू वट यू कैन से दैट यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है डी एग्री गुड दैट्स ग्रेट ओके okay, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल का स्क्रीन निकाल सकते हो आप लेकिन आपको खुद को सॉल्व करना है इसको लिख के कोई मतलब इसको से देख के लिख के कोई फायदा नहीं है ओ oh, गुड अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है सेम अभी आपको बेसिक चीजें पता चली हैं क्या है इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू के हम ऐसे कंसिडर करते हैं तो सॉल्व करते वक्त क्या करना है आपको पता है b इज इक्वल टू सी के होगा एंड a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर होगा ये बात क्लियर हो गई तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं वट इज एल एच एस एल एच एस इज इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में ठीक है तो एल एच एस में वैल्यू पुट करो वट इज द ए स्क्वा ए इज वट सी के स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट को समझो सी के होल ब्रैकेट स्क्वायर ये बी है ना ये सी के है इसका स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर है ये सी के स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया नेक्स्ट ब्रैकेट में चलो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी के होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है अब यहां क्या करते हैं यहां देखते हैं कि सी तो स्क्वायर हो जाएगा के का फोर्थ रेज आएगा के रेस टू फोर प्लस यहां सी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा ठीक है यहां की बात करते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा अब हमारा काम क्या है क्या क्या कॉमन निकाल सकता है लेट्स हैव सम कॉमन थिंग हियर देखिए सी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तो काम कॉमन निकलेगा ही यहां के स्क्वायर निकलेगा और यहां भी क्या निकलेगा के स्क्वायर निकलेगा तो हम क्या करते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन निकालते तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस वन बचेगा इज इट और यहां से क्या कॉमन निकलेगा सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो इफ यू टेक द सी स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या के स्क्वायर प्लस वन अब समझिए ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना तो क्या मल्टीप्लीकेशन होगा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर c रेस टू फोर के स्क्वायर इन ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस वन और के स्क्वायर प्लस वन का मतलब है के स्क्वायर प्लस वन का होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान से समझिए करना क्या है करना क्या है कि सर ये c स्क्वायर c रेस टू स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए रेस टू यम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू यम प्लस एन तो ए रेस टू क्या होगा फोर होगा सेम इसको इसके साथ कंपेयर करो सी रेस टू स्क्वायर सी रेस टू स्क्वायर मतलब सी रेस टू फोर हो गया ये स्क्वायर कॉमन निकला के स्क्वायर प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर आ गया ठीक है इसको हमने एक नंबर कंसिडर किया अब हमारा काम है आगे का आर एच एस देखना वट इज दैट आर एच एस लेट्स हैव लुक हियर आर एच एस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होल ब्रैकेट स्क्वायर जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझने की जरूरत है क्या समझने की जरूरत है ध्यान से तो व्हाट इज ए ए इज़ व्हाट सी के स्क्वायर सी के स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी सॉरी बी बी इज व्हाट दैट सी के प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बीज वैल्यू इज सी के इनटू वट सी होल ब्रैकेट स्क्वायर उसको ऐसे ही रखो दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट अमेजिंग ओके अब देखिए सी इंटू सी इज वट सी स्क्वायर इनटू वट के क्यूब इज इट ओके गुड प्लस सी स्क्वायर इनटू के और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इसमें हम क्या कॉमन निकालेंगे बताओ तो सी स्क्वायर के ओ गुड क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं ये पहले देख लेते हैं ओके यहां हम क्या निकालेंगे सी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे निकालो ब्रैकेट को बड़ा करो इसमें से के और के कॉमन निकालेंगे के कॉमन निकालो गुड अब बचेगा बचे क्या बचेगा क्या यहां बचेगा के स्क्वायर प्लस बचेगा वन क्लियर अब ये ब्रैकेट हो गया और ये बड़े ब्रैकेट को स्क्वायर लगेगा बोलो कैसे क्योंकि ये स्क्वायर दोनों का भी स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट में से ब्रैकेट को ब्रैकेट में से कुछ टर्म्स को कॉमन निकाला तो ये 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 इसका है तो ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है तो ये स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं जब ये स्क्वायर को सेपरेट कर देते तो सी स्क्वायर के को भी स्क्वायर आएगा और के स्क्वायर प्लस वन को भी स्क्वायर आएगा अब इसका स्क्वायर क्या होगा सी रेस टू फोर और स्क्वायर स्क्वायर प्लस का दिस इज व्हाट सेकंड वन अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या आपको नजर आ रहा है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस देखो सी रेस टू फोर के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन होल ब्रैकेट स्क्वायर ओके और उधर भी देखो सी स्क्वायर के रेस टू स्क्वायर सी रेस टू फोर रेस टू स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस वन होल ब्रैकेट ध्यान से समझिए इस प्रकार हम एल एच एस इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी ओ गुड अब यहां क्या करते हैं यहां भी सेम लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे के तो आपको पता है कि देर फोर बी इज इक्वल टू क्या होगा सी के होगा ए इज इक्वल टू क्या होगा सी के स्क्वायर होगा अब हमारा क्या काम क्या रहेगा एल एच एस लिखना वट इज एल एच एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेशंस करेंगे सो व्हाट इज द ए स्क्वायर ए एज वैल्यू इज सी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द बी सी के होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज द ए सी के स्क्वायर व्हाट इज द बी सी के कैलकुलेशन करो सी स्क्वायर के रेस टू फोर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर के क्यूब ये बिल्कुल सिंपल है स्क्वायर के इन टू के क्यूब ओ ग्रेट अब मेरे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना फटाफट ओके गुड अब यहां देखिए सी स्क्तर सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकालो बचेगा क्या प्लस वन बचेगाट के क्यूब है ना के क्यूब है तो यहां के स्कवायर इन टू के लिख देते हैं इज इट ओ ग्रेट अब आपको समझ में आ ही गया होगा के स्क्वा स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा क्या जरा ध्यान से देखिए के स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय के दिस इज व्हाट फर्स्ट वन इफ इट इज फर्स्ट वन व्हाट इज आरएचएस व्हाट इज आरएचएस अब आरएचएस की बात हो रही है तो जरा ध्यान से समझिए के स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय के आर एच एस की बात हो रही है तो आर एच एस क्या है ए प्लस सी अपन वट बी नॉर्मली एक कोई तो साइड बहुत ही सिंपल होती है तो सी के स्क्वायर प्लस सी अपॉन वट सी के बात बिल्कुल सिंपल है सी कॉमन निकालो के स्क्वायर प्लस वन बचेगा अपॉन सी के रहेगा आपको पता है सी सी कैंसिल होगा बचेगा जो वो लिखना है के स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय के इसको हम सेकंड नंबर देंगे सो फ्रॉम वन एंड टू हम लिखेंगे एक और दो से लिखेंगे कि यल एच एस इज इक्वल टू वट आर एच एस क्या आपको बात समझ में आ रही है ये बिल्कुल सिंपल ही है सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम आसान तो आसान एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहां लिखते हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ओ ग्रेट अब एक बात होती है कि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बी स्क्वायर इज इट ओके गुड और आपको पता है कि यदि मैं इसको ए कंसिडर करूं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और इसको सी कंसिडर करूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओ ग्रेट और हमें क्या करना है बेटा फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल सो लेट मीन प्रोपोर्शनल बी बी मीन प्रोपोर्शनल बी बी इफ मीन प्रोपोर्शनल मैं बी कंसिडर करूंगा तो मुझे समझ में आ ही जाएगा क्या आएगा कि बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय ओ एक बात तो पहले समझना जरूरी है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बात तो बिल्कुल सिंपल ही है और आसान भी है तो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक माइनस वाई इंटू वट दैट एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया अब ध्यान से समझिए कि क्या होगा यहां एक्स माइनस वाई इज इट और यहां x माइनस वाई क्या होगा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ध्यान से समझिए ध्यान से समझिए कि यहां x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस वाई लास्ट में एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर भी हम कर सकते हैं अब मुझे बताओ कि x प्लस वाई एक्स प्लस वाई क्या होगा बताओ तो फटाफट तो बी स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इज सिंपल रीजन इज सिंपल ए प्लस बी ए प्लस बी का मतलब होता है ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय अपॉन एक्स वाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स सो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल मेन प्रोपोर्शनल वट इज द मेन प्रोपोर्शनल द मेन प्रोपोर्शनल इज x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई तो स्क्रीनशॉट बनता यह है और आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छा है नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करिए सॉल्व करिए और फिर आगे चलिए सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड कंप्लीटिंग द रेशो ऑफ वैट रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड यदि आपने आपके दोस्तों में शेयर नहीं किया होगा तो फटाफट फटाफट फटा 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 शेयर कर दीजिए और एक इंपॉर्टेंट बात कि वी आर फिज़िकली लाइव एट अर स्वयं लर्निंग पॉइंट इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन अर क्लास प्लीज़ लेट इस नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है और uh, आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सअप कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गूगल वट दैट कॉल्ड एज अ मैप और uh, सीधे आ सकते हो स्वयं लर्निंग पॉइंट में ताकि हम आपको uh, समझा सके कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल लर्निंग इज आप समझ रहे हो सो थैंक यू बाय